अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। आज जो हमारी हदीस है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती वसीयत, अब वसीयत क्या है उसको पढ़ लेते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि ऐ मुआज़, वल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा, खुदा की कसम मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि किसी नमाज के बाद इस दुआ को ना छोड़ना। हर नमाज के बाद आपने लाजमी ये दुआ पढ़नी है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह हमारी मदद फरमाइए अपने ज़िक्र और शुक्र और अपनी अच्छी इबादत पर। बेटा क्लास सिक्स, आपके पास क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 27 थिंक टैंक और वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, चैप्टर वही लिविंग थिंग, चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास। अच्छा टीचर वकास कासमी, क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास थिंक टैंक के 3 क्वेश्चन मौजूद हैं, जिसमें से आज हम 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इंटेलिजेंट मशीन कैन मेड टू मूव सेंस एंड रिस्पॉन्स, दे कैन इवन परफॉर्म सम टास्क दैट ह्यूमन बींग कैन डू, कैन इंटेलिजेंट मशीन बी कंसिडर्ड लिविंग थिंग, वाई। जो इंटेलिजेंस मशीन्स होती हैं जो इंसान के काम वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, वो तमाम काम कर सकती हैं, क्या हम उसको ह्यूमन में कंसिडर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नो, दे डू नॉट पजेस ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स नहीं कर सकते ना, ना रिस्पायरेशन करते हैं ना एक्सक्रेशन करते हैं। कभी आपने देखा है कि कभी किसी रिबोट ने काम किया और उसका सांस फूलना शुरू हो गया या उसको पसीना आना शुरू हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो इस वजह से हम उसको ह्यूमन बीइंग में कंसिडर नहीं कर सकते। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो सेल्स के नहीं बने हुए होते और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेम सेल्स आर दैट कैन डेवलप इन टू सेल्स, दे हैव स्पेशलाइज फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल्स स्टेम सेल कैन बिकम नर्व सेल्स, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, सजेस्ट वन यूज ऑफ स्टेम सेल इन मेडिसन्स, मेडिसन्स के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उसका आपने यूज़ बताना है, वो क्या होते हैं, नर्व सेल्स भी बन जाते हैं, मसल सेल्स भी और रेड ब्लड सेल भी, फॉर पीपल विद डैमेज टिश्यूज और ऑर्गेन, स्टेम सेल्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू टिश्यूज और ऑर्गेन टू रिप्लेस दैट आर डैमेज। इसके बाद आपके पास वर्कबुक है, वर्कबुक का याला पेज निकाल लें आप, अगर पेज नंबर 1 पे शायद ये मौजूद है, वर्कबुक अपने पास रखें, उसमें जो पेजेस हैं वो आपको सामने पेजेस दिखाई जा रहे हैं, उसमें आपको पेजेस का अंदाज़ा हो जाएगा। ये शायद फर्स्ट पेज नंबर है, यहाँ पे आपसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स पूछी गई है, एबिलिटी टू डेवलप एंड इंक्रीज इन साइज मास, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, एबिलिटी टू सेंस रिस्पॉन्स टू चेंज, एबिलिटी टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, एबिलिटी टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और एबिलिटी टू चेंज पोजिशन और प्लेस, एबिलिटी टू ऑब्टेन फूड। ये करेक्टरिस्टिक्स मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, पहला सवाल था उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स थी, जब लेक्चर था उसमें बाकायदा वीडियो में समझाई गई थी, ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब आपने एक एक आइडेंटिफाई करना है कि एक एक करेक्टरिस्टिक्स की मीनिंग के हिसाब से, और इसको कॉलम को फॉलो करना है, टेबल को फॉलो करना है, फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स द थिंग्स हैव इन्फर विच ऑफ देम आर लिविंग थिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके पास ये रहा अ यंग लेडी एंड सनफ्लावर और प्लांट्स एंड लिविंग। अच्छा अब आपके पास ये चीज़ है, क्या चीज़ है अगर आप इसको देखो तो देखो, अब यहाँ पे अच्छा उस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो कुछ चीज़ें उसमें आपने सर्च करना है कि यार कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नहीं है, बुक, यंग लेडी, पैसेंजर लिफ्ट और सनफ्लावर प्लांट। अब अगर आप ये देखो कोई सी भी करेक्टरिस्टिक्स बुक के अंदर नहीं पाई जा रही, यंग लेडी के अंदर सारी पाई जा रही हैं, और अगर आप देखो पैसेंजर लिफ्ट के अंदर ग्रोथ, एबिलिटी टू प्रोड्यूस नहीं, सेंसिटिविटी, हाँ सेंसर हो सकता है, रिस्पायरेशन नहीं, मूवमेंट हो सकती है,
तो इसमें सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही हैं। अगर आप सनफ्लावर प्लांट को देखें उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपका इंटरफेरेंस क्या हुआ, इन्फर क्या बात किया आपने, अ यंग लेडी एंड अ सनफ्लावर प्लांट्स आर लिविंग थिंग, ये दो चीज़ें क्या हैं लिविंग थिंग में। इसके बाद आपके पास जो पेज नंबर है मे बी शायद 27, इस पेज नंबर को देख लें आप, एक्टिविटी 3.3 वर्कबुक में निकाल लें, जल्दी से तमाम बच्चे निकाल लें, जब बच्चे निकाल लें तो फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह करते हैं। बेटा इसमें आपने माइक्रोस्कोप के नेम लिखने हैं, तो आपके पास ए में ऑब्जेक्टिव लेंस, बी में स्टेज, सी में डायफ्रेगम लाइट सोर्स, बेस आईपीएस, आर्म स्टेज क्लिप और फोकस नॉब्स। ये आपके पास कुछ नाम है माइक्रोस्कोप्स के। अच्छा कैसे लिखने की, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सबके आगे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, तो अल्फ़ाबेट्स के आगे जो डैश है उसमें ये नाम सेलेक्ट करके आपने लिखने हैं। इसके बाद आपके पास आगे चल के आपके पास क्या है, एक स्केलेटन है, पेज नंबर 36 निकाल लें, तमाम बच्चों ने निकाल लिया। अब उसमें आपने इन चीज़ों को लेबल करना है, स्केल कहाँ पे है, कॉलर बोन कहाँ है, जॉ बोन कहाँ है, शोल्डर ब्लेड कहाँ है, अपर आर्म बोन कहाँ है, बैक बोन कहाँ है, रिब केज कहाँ है, हिप बोन कहाँ है, टाइट बोन, नी कैप और शिन बोन, इन सबको आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज हैं, तो इसके अंदर क्या करना है आपके, सही ऑप्शन को आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तमाम बच्चे इसको देख लें, जो भी सही ऑप्शन होगा वो अभी आपके आगे डिस्प्ले हो जाएगा, उसको इनमें सेलेक्ट करके लिखना है। जिस तरह से 1 का C, 2 का D, 3 का मैं बता देता हूँ, ये देखो 3 का A इस ब्रैकेट में आ जाएगा, 4 का D इस ब्रैकेट में और 5 का D इस ब्रैकेट में। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बेटा, तमाम बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। इंशाल्लाह कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस ना करे, क्योंकि उसमें मैं इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ आपके सामने कुछ सवाल प्ले करेंगे, कुछ लाइंस होंगी उसमें से, हो सकता है एमसीक्यूज़ आपके आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।